दोस्तों ये है वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आईएएस के लिए काफ़ी फेमस है। और ये है ओल्ड राजेंद्र नगर का गली, ये 1 किलोमीटर के अराउंड इसका स्ट्रेच है। और ये है करोल बाग मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे पास में ही है और यहीं से स्टार्ट होता है। और इसी रोड पे श्री राम आईएएस भी है, और ये वाजीराम एंड रवि है और ये श्री राम आईएएस है। तो मुझे ये जानना था कि आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो कितना फीस उस लगता है यहाँ पे? 1,65,000 पड़ता है। अच्छा, पूरा जीएस का कि इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है? जीएस का पूरा है। अच्छा, जीएस का ही। और यहाँ पे जो रहने वाने का जो खर्च है, रूम रेंट वगैरह, वो कितना पड़ता है? जीएस वो रूम के लिए अलग से पड़ता है, आपको चाहे पीजी मिलेगा, चाहे मतलब फ्लैट ले अपना, चाहे कुछ भी मतलब आपका, और उसमें फूड फैसिलिटी हो या ना हो वो अपने आप स्टूडेंट्स आकर के अपना देखेंगे मतलब। और कितना टोटल, लगभग कितना एवरेज कितना खर्च होगा अगर ओल्ड राजेंद्र नगर में कोई रहता है तो? राजेंद्र नगर का भाड़ा ऐसे कहले महंगा है, करोल बाग और अदर इधर रगड़पुरा साइड है, अदर फिर पटेल नगर साइड है, अगर इस साइड अगर कोई बच्चे रहता है तो उसका रूम रेंट थोड़ा मतलब सस्ता पड़ेगा। और मतलब अगर ईयरली पूरा कह लें तो लमसम 1,20,000 पहुँच जाएगा, ज़्यादा ही जाएगा। ओके, 1,20,000 मतलब फूड और रूम का रेंट तक मान लो। ओके, महीना ही पड़ेगा 15,000 महीना में पड़ेगा। अच्छा, ओके, 15,000 महीना पड़ जाएगा वैसे। अच्छा अच्छा, और जैसे कि मान लो कि अभी ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ता है, शुरू में रूम लेना पड़ता है, तो वो कितना रहता है? वो रूम रेंट रेंट के हिसाब से, जैसे मानिए अगर रूम का रेंट अगर 6,000-7,000 जो भी हो तो उसका 21 डेज का लोग ब्रोकर चार्ज लेते हैं, वो लोग सब ब्रोकर का ये रूल है यहाँ पे। ठीक है, अगर एक चीज बताइए, आप लोग सब ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को लगता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में कुछ डिफरेंसेज आता है? कौन सा क्लास बेटर होगा? कहले तो ऑफलाइन बेटर पड़ता है ऑनलाइन के मुकाबले, क्योंकि ऑफलाइन में आप डायरेक्टली टीचर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और ऑनलाइन का सिस्टम यह है कि आप टीचर्स कॉन्टैक्ट में रहेंगे और आप जो वीडियो लेक्चर रहेंगे आप उसको दोबारा देख पाएंगे, ये रहता है वो बेनिफिट बढ़ता है इस तरह से कह लें दोबारा देखने का। लेकिन आप का ऑफलाइन बैच में रहने का मतलब ये रहता है कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे क्लास टाइम, मतलब उस टाइम डिपेंड पड़ता है पर्सन टू पर्सन की कौन ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। कितना भी वीकर स्टूडेंट रहे लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक तरह से कह लें कि वो रहेगा टीचर्स पे कि हाँ मैं जो पढ़ा रहे हैं मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करूँ। ऑफलाइन ठीक रहता है वैसे, बट ऑफलाइन बेटर रहता है, ऑफलाइन बेटर। अच्छा, ये भैया बहुत सीरियस है, क्या आपको लगता है कि कुछ आपका वो डिफरेंट ओपिनियन है क्या? नहीं भैया। अच्छा, तो सेम है। अच्छा, एक चीज और मेजर चीज क्वेश्चन मेरा ये था कि आप लोग कैसे ऐसा डिफरेंट इशू फेस करते हैं क्या, डिफरेंट टाइप का, यहाँ रहने का, खाने का, या सोसाइटी का, ऐसा कुछ भी है क्या एंगल कोई भी? थोड़ा पड़ता है मतलब माहौल अभी इलाके की बात पड़ जाती है, मतलब जैसे स्टूडेंट आते हैं ना तो फेस करना पड़ता है कि हाँ कैसे मैनेज करें कैसे नहीं मैनेज करें, पूरी दिक्कत होती है। अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल ना? नॉर्मल मतलब आप रहते हैं सब जान जाएंगे उसमें, सीख जाते हैं मतलब धीरे करके, स्ट्रगल करेंगे तभी मतलब कुछ पाएंगे, ये होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।